अगर आपके पास iPhone 6s से लेके iPhone 12 Pro Max तक कोई भी फ़ोन है, मतलब 2015 के बाद से लेके अभी तक अगर आपने iPhone ख़रीदा है, अगर आप वो iPhone यूज़ कर रहे हो, तो ये वाला जो अपडेट आया ना, ये बहुत ही ज़्यादा किलर फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट 5 मिनट में हम ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। टाइमर, लेट्स गो। फेस टाइम, स्पेशल ऑडियो, स्क्रीन में जहाँ पे जो बंदा जहाँ पे प्लेस है आपके हेडफोन्स के अंदर, वो बंदा वहाँ से बात करने वाला है। ऐसा लगने वाला है कि हम चार लोग साथ में बैठे हैं और चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। अब फेस टाइम के अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी आ गई है, तो पीछे अगर मम्मी वैक्यूम क्लीनर चला रही है या मिक्सी चला रही है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन करो और आराम से अपनी बंदी के साथ बैठ के बात करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। पोर्ट्रेट फीचर फेस टाइम के अंदर पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर देता है, उससे थोड़ी ज़्यादा सिनेमैटिक फील आ जाती है, जैसे वो बड़े बड़े DSLR से फील आती है। अगर अभी हम फोटो खींचते हैं तो पीछे का सब ब्लर आ जाता है। ये अब कंप्यूटराइज्ड मेथड से, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम से फेस टाइम में इंक्लूड कर दिया है। अब वीडियो कॉल्स होने वाली है मोर सिनेमैटिक। ग्रुप फेस टाइम कॉल्स में अब सारा कुछ एक ग्रिड में आएगा, जो बंदा बात कर रहा है उसके अराउंड एक बॉक्स आएगा, वो बंदा हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपने जूम यूज़ किया है तो आपको पता है ये फीचर जूम में ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये फीचर अब फेस टाइम में भी आ गया है कि आपको पता चले कौन बंदा कहाँ से कैसे बात कर रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है, बाकी लोग सुन रहे हैं। किलर फेस टाइम में अब आप लिंक जनरेट कर सकते हैं, अपने फेस टाइम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। रात को 8 बजे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना है, या दोपहर को 2 बजे आपको अपनी कलीग्स के साथ मीटिंग करनी है। फेस टाइम लिंक बनाओ, सबको भेज दो, उनको पता होगा कि कॉल कितने बजे आने वाली है। अगर उनके पास एप्पल, एंड्रॉयड या विंडोज कोई भी मोबाइल है, वो आपका फेस टाइम कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी फेस टाइम कॉल्स है वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, मतलब एप्पल खुद भी उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता कि आप वो वीडियो कॉल में क्या कर रहे हो, क्या आप वीडियो कॉल में करोड़ों की डील डिस्कस कर रहे हो और क्या अपने गर्लफ्रेंड के साथ लवी डवी बातें कर रहे हो, ये कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। शेयर प्ले, हम दोनों बात कर रहे हैं, मेरे को आपको एक गाना सुनाना है, मेरे को लिंक भेजने की जरूरत नहीं, गाना मैं प्ले करूंगा, आपके मोबाइल में भी वो गाना प्ले होगा, हम दोनों साथ में बैठ के गाना सुन सकते हैं। रोमांटिक, हाँ। मीटिंग्स, हाँ। हम चार जने बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और पीछे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चाहिए, स्टडी के लिए म्यूजिक चाहिए, लोफाई म्यूजिक चाहिए, सब कुछ अब एक साथ इन सिंक चलेगा। शाम को अगर पार्टी करनी है, चार पांच जने फेस टाइम पे आओ, अपने अपने घरों में बैठो, गाने अपने आप क्यू करो, एक के बाद एक वो गाने चलते जाएंगे और सबकी रिक्वेस्ट सब अपने अपने जगह से मैनेज कर सकते हैं, और जो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सब इन सिंक चलेंगे, मतलब अब वर्चुअल पार्टी हो सकती है अपने अपने घरों में बैठे हुए। यही नहीं, वीडियोस और मूवीज दोनों फेस टाइम पे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, बैठ के साथ में मूवीज एंजॉय करो, मूवीज देखते देखते उसको पिक्चर इन पिक्चर पे स्वाइप अप कर दो, वो मूवीज और कॉल ऊपर हो जाएगी, पीछे से बैठ के अपने लिए खाना ऑर्डर करो। बहुत ही कूल और बहुत ही मल्टीटास्किंग फीचर्स अब iOS 15 और फेस टाइम में इंटीग्रेट हो चुके हैं। शेयर स्क्रीन, अभी दो जने बात कर रहे हैं और अभी हमें होटल बुक कर रहे हैं, हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कोई ये होटल बोलता है, कोई वो होटल बोलता है, कोई टेंशन नहीं है, अपनी स्क्रीन शेयर करो, साथ में बैठ के दोनों सब लिस्टिंग्स चेक करो, कौन से होटल अच्छे हैं, कौन से होटल बुरे हैं, खाना ऑर्डर करना है तो कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, कौन सा रेस्टोरेंट नहीं अच्छा लग रहा, ये सब अब कर सकते हैं शेयर स्क्रीन के साथ। मैसेजिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है इस बार के iOS 15 अपडेट में। इसमें अभी अगर मैंने आपके साथ कुछ लिंक शेयर किए हैं, मैंने आपके साथ कोई न्यूज़ शेयर करी है, मैंने आपके साथ कोई म्यूज़िक शेयर करा है, मैंने आपके साथ कोई फोटो शेयर करी है, अब ये इंडिविजुअल ऐप्स में अगर आप जाओगे ना, जैसे मैं म्यूज़िक खोलूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा शेयर्ड विथ यू, और जितने लोगों ने मेरे साथ गाने शेयर करे उनके नाम आ जाएंगे। अगर मैं फोटोज ऐप में जाता हूँ तो उसमें भी शेयर्ड विथ यू का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि कितनी बार होता है कि लोगों ने शेयर करा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, शाम को जब मैं न्यूज़ अपना ऐप खोल रहा वहाँ पे मेरे पास आ जा रहा है, ये न्यूज़, ये लिंक्स और ये वेबसाइट्स इन लोगों ने शेयर करी है। लाइव टेक्स्ट का मतलब क्या है, कोई भी फोटो की तरफ पॉइंट करो या कोई भी ब्लैकबोर्ड की तरफ या कोई भी राइटिंग की तरफ पॉइंट करो, उसके नीचे आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करो, वो सारा का सारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, ईमेल करो, खटाक, वो बैनर लगा हुआ बैनर पे क्लिक करो, अगर रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ उस पर लुकअप करो, लुकअप करोगे आपको लोकेशन मिल जाएगी, आपको रिजर्वेशन बुक करनी है, आपको डिस्टेंस देखना है, आपको मैप चालू करना है, खटाक, नंबर दिया हुआ बिलबोर्ड पे उसको हाईलाइट करो, टैप करो, उसको कॉल करो, सीधा आपको बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहां से वहां जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ को बहुत इजी बनाने वाला है iOS 15। यार आजकल ये इतना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, फोन चालू करो तो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, काम पे बैठे हो तो इंस्टाग्राम पे कि किसी ने आपकी फोटो लाइक कर दी, आपको किसी ने मैसेज कर दिया, आपको किसी ने कमेंट कर दिया, अब सब चीजों को डिवाइड कर सकते हो, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन था आईफोन यूजर्स के पास, अब आप अलग अलग तरीके से चीजों को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप काम पे हो तो आपको खाली काम वाले नोटिफिकेशन ही आएंगे, बाकी सारे ऐप बंद हो जाएंगे, वो आप भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको खाली मेल आएगा, आपको खाली स्लैक पर नोटिफिकेशन आएंगे। अगर आप घर आए हो और आप नहीं चाहते हो कि आपके कलीग्स आपको परेशान करें, तो आप अपने मेल्स ऑफ कर दो, अपने स्लैक नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, और खाली जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनके ही मैसेजेस आप तक आएंगे, बाकी सारे मैसेजेस, बाकी सारे ऐप्स को बंद कर दिया जाएगा उस टाइम के लिए, ताकि आप फोकस कर सको, जो आप काम कर रहे हो उस काम पे फोकस कर सको।
अलग अलग चीज आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप जिम पे हो तो जिम में आपको कौन से ऐप्स के नोटिफिकेशन चाहिए, कौन से ऐप्स के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ये आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप वो मोड ऑन करोगे बाकी सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद और खाली वही ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। जो नोटिफिकेशन सेक्शन भी है वो उसको भी कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया है। अभी जो इनबिल्ट इंटेलिजेंस है वो डिसाइड कर रहा था कि कौन से ऐप्स आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, कौन से ऐप्स आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, वो उनकी जो नोटिफिकेशन है उनको स्टैक करके अलग से रख देता है, और कौन से ऐप्स है जिसके नोटिफिकेशन उतने रेलेवेंट नहीं है या आप उतना रिएक्ट नहीं करते हो उसको वो डाल देता है नीचे। टाइमर देखते हैं, टाइमर, वी आर इन टाइम। आप मेरे को बताओ कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर कौन सा लगा iOS 15 का, नीचे कमेंट करके बताना। माय नेम इज रिकी, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग, आई विल सी यू गाइस अगेन सून इन द नेक्स्ट वीडियो।